नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप कुकॉइन पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे अकाउंट बनाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। इस पे अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी किसी से भी यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। केवाईसी वेरिफिकेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के अंदर मैं लाइव केवाईसी वेरिफिकेशन आपको करके दिखाने वाला हूँ। आप आधार कार्ड से भी केवाईसी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुकॉइन पर कैसे अकाउंट बनाएंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुकॉइन ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक से आपको इसे डाउनलोड करना है। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही अकाउंट बना लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 10 से $20 जो भी इनका ऑफर चल रहा होगा वो आपको फ्री में वॉलेट के अंदर बोनस के रूप में मिल जाएगा, और 20% का आपको रिबेट मिलेगा। यानी आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें से ट्रेडिंग फी में आपको रिबेट मिलेगा। यानी आपका जो 20% 25% जो इनका ऑफर चलता है उसमें आपको छूट मिलेगी। ये छूट आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, इस टाइप से आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस टाइप जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिंक पे यहाँ पर एक बार रजिस्टर्ड कर लेना है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों से ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद खाता बनाएं यानी अकाउंट क्रिएट करें, इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपने इंग्लिश में कर रखा है तो। उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का पिन सेंड किया जाएगा, तो वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ चुका है। यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक का पासवर्ड सेट करना होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाया गया कि किस टाइप से आपको पासवर्ड बनाना है, वैसे मैं स्क्रीन में इजी बता दूंगा आपको। तो चलिए, यहाँ पर मैं पासवर्ड अपना खुद का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा है पासवर्ड। अपना कुछ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। अगर आप लेटर डालते तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पुष्टि पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये खाता है साइन अप हो गया और यहाँ पर दिखा रहा खाता बन गया है, ठीक है। और इंग्लिश में है तो क्रिएट अकाउंट दिखा देगा आपको। फिर यहाँ पर अभी वेरीफाई करें, इसके ऊपर आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। अब यहाँ से आपको इसके ऊपर आप क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये सारा प्रोसेस है वो हम कुकॉइन ऐप के अंदर करेंगे ताकि इजी वे में हो जाए। तो चलिए, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं और कुकॉइन ऐप को ओपन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पर सहमत पे क्लिक कर लीजिए। अगर इंग्लिश में तो आई एग्री पूछेगा तो वो अलाउ कर लीजिएगा, आप अनुमति दे देनी है। उसके बाद में जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर साइन अप करें और यहाँ पर लॉगिन करें का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बार लॉगिन कर लेते हैं। जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड हमने बनाया था वो एक बार आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर लिया। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आ गया तो मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अभी वेरीफाई करें, यानी हमें अब KYC वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई कर ले, इसके ऊपर आपको टिक कर लेना है।
यहाँ पर इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप आईडी कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं, पासपोर्ट से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से, तो यहाँ पर मैं आईडी कार्ड से करूँगा, तो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो आपका फर्स्ट नेम है वो डालना है, और यहाँ पर आपको फुल नेम जो लास्ट का नेम वो डाल देना है, और आपको यहाँ पर आईडी नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड के है वो डाल दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम और यहाँ पर मैंने लास्ट नेम डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पर आईडी नंबर यानी आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, फिर इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको अपना सेल्फी फ़ोटो लेना होगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर फ़ोटो खींचे पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, अलाउ कर लीजिएगा आप। उसके बाद में इस गोले के अंदर आपका सेल्फी आना चाहिए। यहाँ पर कैमरे को बैक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सेल्फी ले लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेल्फी लेने का ऑप्शन थर्ड नंबर पे आएगा। सबसे पहले जो आपने आधार कार्ड दिया है उसका आपको फोटो लेना होगा, और उसके बाद में बैक साइड का भी लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने आईडी कार्ड का फोटो ले लेता हूँ। ये ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा, आपको यहाँ पर फोटो क्लिक करने का दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट लेने के बाद में आपको बैक साइड का फोटो लेना है, पीछे का। उसके बाद में आपका केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको अपना ये जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर आपको अपना चेहरा लाना है, यानी आपको सेल्फी लेनी है। अगर आपने कोई केप लगा रखी है या फिर चश्मा है तो उसे उतार दीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सेल्फी ले लेता हूँ। जैसे आप सेल्फी लेंगे और उस टाइप से आपका ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर पूरा हुआ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिफिकेशन प्रगति में, थोड़ी देर में जाँचे, यानी आपका जो वेरीफाई है वो कंटिन्यू है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक कर देना है। वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अब आपको यहाँ पर वेट करना है, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कूकॉइन ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल आप कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी।